बिल्कुल अवश्य लाभ होगा। ओम प्रकाश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आचार्य जी, महत्वपूर्ण तो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और उपाय बताए, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। अब राशिफल का रुख कर लेते हैं आचार्य जी, और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। हाँ, देखिए, सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। आज की यात्रा की स्थिति सुखद लाभप्रद रहेगी। काम काज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आज बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज्यादा ताकतवर है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं करक राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख लेना ही ठीक होगा। संतान पक्ष से सहयोग में कमी होगी, पैतृक संपत्ति में विवाद होगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। भले ही आप उत्साह से लबरेज हो, फिर भी आप किसी से ऐसी की कमी महसूस करेंगे जो आज आपके साथ नहीं है। हर निवेश को सावधानी पूर्वक अंजाम दें। गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लेने में न हिचकिचाएं। बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। ज्यादा पाने की कोशिश में है उसे भी गंवाने से बचें, व्यय अत्यधिक हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके काम मन मुताबिक पूरे होंगे। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको ही फायदा होगा। किसी भी काम को करने में पूरा मन लगे। आइए अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा होगा। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से सावधान रहें। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण आज बन सकती है। बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। आप जिस कैरियर के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएं। वो अपने दिल से आपका हित चाहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका मन अध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। इस राशि के शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। आप घूमने फिरने और पैसा खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, यह है आज का राशिफल और कैसा दिन रहने वाला है। जातकों का राशिफल के हिसाब से ये तमाम जानकारी साझा की। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में।
और इसी के साथ भाग्य फल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।